हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बना रही हूँ लिट्टी चोखा। चलिए बनाते हैं और आपको दिखाती हूँ सब मैं। तो ये इसमें मैं कुछ चीज़ें काट के रखी हुई हूँ पहले से ही आपको दिखाने के लिए। लहसुन, हरी मिर्च, अचार और थोड़ा सा प्याज है। मैंने लहसुन और अदरक को कूट लिया है। और चलिए अब आगे चलते हैं। आज मैं बिहार की बहुत ही फेमस लिट्टी चोखा बनाने वाली हूँ, बट थोड़ा अपना डिफरेंट स्टाइल से। और इस मिर्ची को भी हम लोग कूट लेते हैं सो दैट कि सबका अच्छा टेस्ट आए। मैं अक्सर ये रेसिपी बनाती रहती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। इनफैक्ट ये मेरी फेवरेट रेसिपीज़ में से एक है जो मुझे खाना पसंद है। बहुत ही आसान और झटपट बन जाता है। तो ये देखिए, मैंने मिर्ची को भी थोड़ा दरदरा ही कूट लिया है, ज़्यादा महीन करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम लोग बना लेते हैं। सतुआ पहले बनाएंगे हम लोग, फिर आगे क्या करेंगे। ये मेरी रेडी है। ये देखिए, मैंने सत्तू निकाल के रखा है। आप अपने नीड के हिसाब से सत्तू लें, मेरी इतनी नीड है तो मैंने ले ली है। अब सबको इसमें मिक्स करते हैं। पहले प्याज डालते हैं, फिर लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची डाल लेते हैं। तो अपने अचार को भी पूरे अच्छे से तोड़ के इसमें मिला देते हैं, पूरा मसाला निकाल के अच्छे से। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपनी व्लॉगिंग शुरू की है, इसलिए मुझे उतनी अच्छी वीडियोस एडिट करने और बनाने नहीं आती है। सो मैं ट्राई कर रही हूँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ आप लोग इग्नोर करें। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और घर से ही करती रहती हूँ, घर से ही थोड़ा बहुत काम करती हूँ अपना। और ये एक नींबू इसमें डालूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। मैंने नींबू को गाड़ लिया है। नए यूट्यूबर्स के लिए आपके एक शेयर और एक लाइक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करते हैं, तो आप ज़रूर करें। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी मिलाएंगे। इसमें मैं काला नमक भी डाल रही हूँ। मैं इसमें काला नमक ही डालना प्रेफर करती हूँ, इससे और टेस्ट इन्हेंस होके आता है। ये मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें मैं एक चुटकी भुना हुआ जीरा और मिर्च, काली मिर्च की डालूंगी। अब थोड़ा सा सरसों तेल भी हम लोग इसमें डालेंगे, इससे भी बहुत अच्छी टेस्ट आती है। मैं फुल्ली बिहारी स्टाइल बना रही हूँ क्योंकि मैं भी बिहार से ही हूँ, और हमारे घर में तो लिट्टी चोखा बहुत ही आम है, हमेशा बनते ही रहते हैं। और ये मैं थोड़ा सा कलौंजी भी डाल रही हूँ।
ये मैं जैसे अपने घर में बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मैंने मिक्स कर लिया है, ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल दिया है। इसे साइड रखेंगे हम लोग। हम लोग गैस जला लेते हैं। अब इसमें हम लोग पानी रखेंगे बॉईल करने के लिए। ये मैं थोड़ा डिफरेंट लिट्टी चोखा बना रही हूँ, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे, बहुत अच्छी लगती है ये वाली रेसिपी भी। हम लोग पानी को रख देंगे बॉईल होने के लिए कवर करके। चलिए लिट्टी को भर लेते हैं। मैंने आटा पहले से ही गूंथ के रखा हुआ है, ये नॉर्मल जैसे हम लोग चपाती बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आटा गूंथा है मैंने। अब जैसे हम लोग पूरियाँ मतलब पराठों के लिए भरते हैं फिलिंग, वैसे ही इसमें भी भर लेंगे हम लोग। इसमें अच्छे से फिलिंग भरिए। इसे दबा दबा के अब हम लोग इसको पैक कर लेंगे। अब बस इसे गोल गोल घुमा करके गोल करके रख लेंगे, बस जैसे हम लोग कचौरियाँ बनाते हैं एकदम वैसे ही। ये देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब हम लोग इसे बॉइलिंग वाटर के अंदर डालेंगे एक एक करके। हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है, अब हम लोग इसको इसमें ऐड कर देंगे। एक बार हम लोग इसको अच्छे से ऊपर नीचे कर देंगे। अब हम लोग फिर से इसे कवर करके छोड़ देंगे। और ये 5-10 आई थिंक ऑलमोस्ट 10 मिनट आप इसे छोड़ देंगे तो ये अच्छे से पूरे फूल जाएंगे। तो हम लोग 10 मिनट के लिए इसको बॉईल करें, तब तक हम लोग चोखा बना लेते हैं बैगन का। ये मैं एकदम झटपट बनने वाला चोखा आपको बता रही हूँ, कोई तामझाम नहीं। बैंगन को हम लोग थोड़ा थोड़ा कट लगा देते हैं और चेक कर लेते हैं कि बैंगन ठीक है कि नहीं। तो बैंगन को पकने के लिए रख देते हैं। इसके साथ हम लोग एक टमाटर भी डालेंगे। ये मैं साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ, आप तीखा अपने अनुसार कर सकते हैं, मैं यहाँ 2-3 डाल देती हूँ। ये ज़्यादा पक गए, कोई नहीं मैं निकाल लेती हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा जल गया, हम लोग इसे हटा देंगे।
दूसरा मिर्च पका लेते हैं, वो तो जल गई। इससे ये हो गया, इस मिर्ची को हटा देते हैं। इसमें हम लोग अदरक तो नहीं लेकिन लहसुन भी डालेंगे। बहुत लोग अदरक भी डालते हैं, मुझे अदरक इसमें उतनी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं सिर्फ लहसुन डालूंगी। ये हम लोग झटपट वाला बैंगन का भरता बना रहे हैं, इसलिए इसमें उतना तामझाम नहीं करना है। ये मैं थोड़ी सी लहसुन की कलियां ऐड कर रही हूँ इसमें। मैं अपना इवनिंग का भी खाना बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको दिख रहा होगा थोड़ी जल्दबाजी में हूँ, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है अभी ये बना करके। तो आप लोग थोड़ी बहुत गलतियों को इग्नोर करें। ये मैंने पलट दिया है बैगन को दूसरे साइड से पकने के लिए। बैगन को पकने में वही 5 मिनट 7 मिनट लग जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपका। हमने फ्लेम को लो कर दिया है ताकि जले ना बैगन। ये हमने लहसुन निकाल लिया है अपने सारे। देखिए हमारा टमाटर हो चुका है और अब बैंगन भी हो गया, इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं। फिर हमने गैस बंद कर दिया था, हमारे लिट्टी हो चुके हैं, उसे हमने 5-10 मिनट बॉईल किया। आई थिंक 10 मिनट तो नहीं, ऑलमोस्ट 6-7 मिनट हमने बॉईल किया होगा और वो हो गया। तो मैंने गैस को तब तक के लिए बंद कर दिया है, पहले भरता बना लेते हैं फिर आगे उसका का देखते हैं। हम लिट्टी को बैगन को छील लेते हैं, बैगन थोड़ा गर्म है, मैंने बोला आज मुझे थोड़ी जल्दी है इसलिए मैं इसे गरम गरम ही छील रही हूँ, आप आराम से ठंडा करके छीलें। ये हमने बैंगन छील लिया, टमाटर छील लिया, बस इसे पीसना है। तो छोटे छोटे चॉप कर लेते हैं। बैगन के भरते को हम लोग एकदम चटनी जैसा पीस लेंगे। इस रेसिपी के साथ ये बहुत अच्छी जाती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। ये देखिए हमने लिया है मिक्सी का जार, अब हम लोग इसको डाल के पीस लेंगे। थोड़ी तीखी बनाए इसे और ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसमें हम लोग थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाल देते हैं। और नमक अपने स्वाद अनुसार। अब बस इसे पीस लेते हैं। ये देखिए हमारी बैंगन की चटनी एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल तैयार है। इसे साइड रख देते हैं। अब हम लोग अपना लिट्टी को चेक करते हैं, देखिए अच्छे से बॉयल हो गया हुआ है और सब फूल फूल के भरे हो चुके हैं।
क्योंकि हमने इसे बॉईल कर दिया है तो अब हमें इसे फ्राई करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा, कच्चापन इसमें। ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए इसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है, वरना ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है जब भी आप इसे बनाएं। चलिए अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। मैं इसे रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो घी में भी कर सकते हैं, उससे और टेस्टी लगता है। बस अब ऑयल गर्म हो गया हुआ है हमारा, तो इसमें एक एक करके लिट्टी डाल देते हैं, जितने अटेंगे एक बार में उतने फ्राई कर लेंगे हम लोग। लिट्टी नीचे से चिपके ना इसलिए आप एक बार इसे पलट दें। बस अब कुछ नहीं करना है, बस उलट पलट के इसे फ्राई कर लें। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी बॉइल्ड है। इसे दोनों साइड उलट पलट के इसको गोल्डन ब्राउन कर लें, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं नाश्ते में, या कभी भी जब भी आपका मन हो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। पहले हम लोग इसे हाई फ्लेम पे सेक लेंगे, उसके बाद थोड़ा देर फ्लेम को लो करके सेक लेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। बीच बीच में हम लोग एक आध बार इसे पलटेंगे। जैसे जैसे फ्राई हो रही है देख रहे हैं इसके कलर कितने अच्छे आ रहे हैं, का एक अपना ही टेस्ट है। इसे 5 मिनट हम लोग लो फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं, या फिर आप देखते रहे जैसे ही आपका एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए आप उसे पलट के दूसरे साइड से कर लें। मेरी बस ऑलमोस्ट होने ही वाली है अब थोड़ी देर में। एक साइड से हमने कर लिया है इसे फ्राई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। और भी अब ये हो चुका है, हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग जो बचे हुए हैं उसे भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी लिट्टी बिल्कुल बन के तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें। बस अब हम लोग इसे भी छान के हटा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।